हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, राम राम। आज की हम सेशन को शुरू कर रहे हैं और आज के सेशन के अंदर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। जैसे कि सभी मेरे भाइयों बहनों को पता होगा ऑलरेडी कि हम लोग CMA फाउंडेशन के अपने स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। दिस इज आर क्लास नंबर 2 ऑन कंसाइनमेंट। बेसिकली क्लास नंबर 3 है, 2 नहीं है, 3 है। अपनी बेसिक की और जनरल एंट्री की क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक और जनरल एंट्री ऑलरेडी सीख ली है, ठीक है। और ये नोट्स जिन बच्चों ने परचेज किए हैं उनके पास होंगे, जिन बच्चों ने परचेज नहीं किए हैं वो कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था कि आप कैसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट चीज़ इसमें यही लिखी है, वाई कंसाइनमेंट। अब ये नोट्स ना आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का टाइम रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये सब हम कवर कर चुके हैं, कंसाइनमेंट एडवांटेज, कंजाइनी और कंजाइनर कौन होते हैं, उन कंजाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है, साइकिल, परफॉर्मा इनवॉइस, अकाउंट सेल, एक्सपेंसेस और एडवांस और कंजाइनमेंट, ये सब चीज़ें जो भी हैं हम लोग कंप्लीट करेंगे विद द एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नाउ टूडेज टॉपिक हमारा क्या है कि हम लोग सीखेंगे कि जो कमीशन होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि आप लोग क्या करें कि फर्स्ट हम लोग जो मेरे नोट्स हैं उससे सारे क्वेश्चंस डन कर लें। एक बार क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद हम लोग स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी डन करेंगे, स्टडी मैट के जो भी सोर्सेज से क्वेश्चन मिल सकेंगे उसको डन करेंगे। पहले अपन लोग मेरे स्टडी मैट से जो मैंने बच्चों को नोट्स दिए हैं, जिन्होंने परचेज किए, जिनके पास वो नोट्स हैं, उससे कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन के पास 3 टाइप की जो होती है कमीशन होती है, सभी को पता है। पहली कमीशन होती है ऑर्डिनरी कमीशन, जिसको हम लोग नॉर्मल कमीशन भी बोलते हैं। सेकेंड अपने पास होती है ओवरराइडिंग कमीशन, और थर्ड अपने पास होती है डेल क्रेडिटर कमीशन। अब आपको याद क्या रखना है कि नॉर्मल कमीशन जो होती है वो टोटल सेल के ऊपर दी जाती है, ओवरराइडिंग कमीशन जो होती है वो एक्सेस के ऊपर दी जाती है, और डेल क्रेडिट कमीशन जो होती है वो टोटल सेल के ऊपर दी जाती है। ये तीनों बातें मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। अब इसके सम्स जो होते हैं वो किस तरह होते हैं, तो नोट्स में जब आप लास्ट में आएंगे तो एक गुरु ज्ञान का पिटारा आपको मिलेगा इधर। तो गुरु ज्ञान के पिटारे के अंदर आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आपके लिए मतलब कंप्लीट है। इसमें क्वेश्चंस का नंबर कम होने के बाद भी इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करके जाओगे ना तो पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस यही मोर देन इनफ है। इसके बाद आप स्टडी मेट वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उसमें भी क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऐसे ही रहेंगे जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज कमीशन के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन भी अपन लोगों को देख रहे हैं। तो इसके अंदर के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से भी कर लेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन के जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, इसके लिए आपको इन नोट्स के अंदर एडिशन करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको कमीशन कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ मैं। टॉपिक क्या है अपना, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब एक बात समझो कि ना आपको ये लिख के नहीं करनी है चीज़ें, ये चीज़ें आपको लिख के नहीं करनी रहती है, आपको ये सब कुछ कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर के ऊपर, इसके ऊपर। अच्छा, जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है किसी भी और कंपनी का, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप कैसियो का एक जो आता है हमारा कैलकुलेटर वही लें, क्योंकि कैसियो का कैलकुलेटर रिलायबल भी है और ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये कैसियो का मेरे पास जो है वो है MJ12D। अभी इस चैप्टर में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे मैथमेटिक्स है तो उसके अंदर अभी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कराऊंगा ना, तो उसमें आपका कैलकुलेटर दिक्कत करेगा। तो उसमें यही कैलकुलेटर चलेगा, MJ12D या MJ12 भी ले सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। 300 350 रुपये तक का आएगा, इसी को लेना और ये चलेगा आपके फाइनल तक, ठीक है। 5 साल की उसका वारंटी भी रहता है। ये कोई प्रमोशन तो नहीं है, बट सभी बच्चे जो भी हैं मेरे सीनियर वगैरह सभी यही यूज़ करते हैं, तो ये रिलायबल भी है। अब कैलकुलेशन और कमीशन में एक क्वेश्चन समझो। मिस्टर सचिन कंजाइंड 200 यूनिट ऑफ मान लो गुड्स एट ₹100 ईच, ठीक है। इतना समझ में आया। टू मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश सोल्ड गुड्स एट 120 ईच
ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड कमीशन इफ ऑर्डिनरी कमीशन इज एट द रेट 5% एंड ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, ओवर राइडिंग में पूरा नहीं लिख रहा बट आप समझना, ओवर राइडिंग कमीशन इज एट 10%। तो हमको कमीशन निकालनी है, टोटल कमीशन। इसमें ऑर्डिनरी कमीशन 5% की है और अपनी जो भी बाकी कमीशन है वो 10% की है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, इसमें आ जाओ सॉल्यूशन। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप सभी को पता है ऑर्डिनरी कमीशन टोटल सेल के ऊपर निकलता है और अपने पास जो ओवरराइडिंग कमीशन होता है वो एक्सेस के ऊपर निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है अभी समझो। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल सेल्स। अभी लिख के नहीं करना कुछ भी, ठीक है, पहला क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन से कैलकुलेटर पे करवाऊंगा सीधा सीधा। लिखवाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि अपन को लिखना नहीं है, लिखेंगे अपन लोग इंटर में जब सीखेंगे। जब अभी फाउंडेशन दे रहे हो ना, तो फाउंडेशन में अपने लोगों को ऐसे ही करना है। टोटल सेल कितना रहेगा अपने पास, 200 यूनिट है और 120 का एक बेचा है, तो कितना हो गया, 24,000 हो गया वैसे तो, लेकिन आपको कैलकुलेटर की आदत डाल ली है इसलिए आपको कैलकुलेटर पे ही इसको निकालना है। ठीक है, टोटल सेल इतना हो गया। अभी ऑर्डिनरी कमीशन आपका हो गया 24,000 का 5%, राइट। तो 24,000 का 5% कितना हो गया, 1,200 रुपये। अब इसके बाद आ जाएगा ओवर राइडिंग, ठीक है, ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन कैसे निकालेंगे आप, ओवर राइडिंग कमीशन आप निकालेंगे भाई, हमने उसको बोला था 100 पे बेचने के लिए, उसने 120 पे बेचा, तो इसका जो भी डिफरेंस है और उसने जितना यूनिट बेचा, यूनिट कितना बेचा उसने, 200 यूनिट, राइट। और इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10% से। तो ये कितना आएगा, उसने कितने रुपये एक्स्ट्रा पे बेचा, 20 रुपये एक्स्ट्रा पे बेचा, राइट। हमने उसे 100 बोला था, उसने 120 पे बेचा, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा कमाया उसने एक यूनिट पे। तो सारी यूनिट पे कितना कमाया, 200 यूनिट पे, मतलब 4,000 उसने एक्स्ट्रा कमा के दिया। 4,000 का 10% उसको ऐसा कमीशन हम लोग देंगे, तो 4,000 का 10% कितना हो गया, 400 रुपये। तो टोटल कमीशन इसका कितना हो गया बताओ, 1,600 रुपये का टोटल कमीशन हो गया। तो मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में तुमको कुछ भी टफ लगा क्या, बहुत ज्यादा टफ कुछ लगा गया ऐसा? आंसर इज नो, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना टफ लगेगा नहीं आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कमीशन के आसान होते हैं। हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और ये कैलकुलेटर पे करना अभी शुरू करेंगे अगले 2-3 क्वेश्चन से, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और मैं तुम्हें लिखवा के करा देता हूँ, ताकि तुम्हारा दिमाग में ना ये बैठ जाए कि अपन लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है। तो अगर हमको कमीशन निकालना खाली, तो हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ये समझ लो। हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले हमने कितनी यूनिट बेची, कितने रुपये पे बेची, ठीक है, और ये कंजाइनर ने कितने पे भेजी थी और उसने कितने पे बेची, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फिर कमीशन के रेट इंपॉर्टेंट होते हैं, बस इस पूरे क्वेश्चन में हमारे लिए बस यही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम लोग कमीशन निकाल रहे हैं तो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, मैं जितने भी क्वेश्चन तुमको लिखवा रहा हूँ तुम या तो नोट कर सकते हो, और या तो ये नोट्स जिसको मिलेगा ना उसके साथ में मैं हैंडआउट भी अटैच कर दूंगा, जो अगर आपने नोट्स परचेज किया रहेगा तो, ठीक है। एग्जाम्पल करने के बाद ही अपन लोग क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। सुरेश है, सुरेश सेंट 500, ठीक है। मेरे पास ये हैंडआउट है इन नोट्स का, तो मैं उसमें से आपको लिखवा रहा हूँ कॉपी करके, ठीक है। जो क्लास नोट्स हैं, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ जिन क्लास नोट्स से, तो उसमें है सुरेश ने कंसाइन किया 500 पेंस टू मिस्टर सी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 300 ईच, ओके। मिस्टर सी इज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन एस 350, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इनको कमीशन मिलेगा 350 पर फैन, 350 नहीं, इसको 35 करो, 350 नहीं होगा, ये बुक में भी मिसप्रिंट है, 35 पर फैन, ठीक है। सोल्ड एंड 2% ऑन एक्सेस प्राइस रियलाइज, तो जो भी ज्यादा होगा उसको 2% पे मिलेगा। तो इसका थोड़ा लैंग्वेज लेके करना वही है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितना आएगा बताओ,
अच्छा इसमें तो लिखा ही नहीं है। मिस्टर सी सोल्ड, मान लो इसने 500 फैन बेचे थे तो इसने 450 फैन बेचे एट द रेट 385 ईच। ओके टोटल सेल कितना हो गया आपका, 450 मल्टीप्लाई बाय 385। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 385 तो कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 1,73,250 रुपये। ठीक है, 450 मल्टीप्लाई बाय 385, 1,73,250 रुपये। देन टोटल सेल के बाद आपको निकालना है नॉर्मल कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, ऑर्डिनरी कमीशन कितना है, 35 रुपये पर फैन सोल्ड। तो ये कभी कभी परसेंटेज में होता है, कभी कभी नंबर्स में होता है, तो ये एक्यूरेट नंबर में है। तो 35 रुपये मल्टीप्लाई करना अभी क्वांटिटी से, कितने फैन बेचे हैं, 450। पंद्रह हजार 750 रुपये, ये बात याद रखना। इस पॉइंट, इस क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट यही है कि एक क्वेश्चन का टाइप ये भी हो सकता है जैसे पहले वाला था। इसके अंदर क्या था कि आपको क्या रहेगा, पहले ये था कि आपको क्या रहेगा कि नॉर्मल कमीशन 5% है सेल के ऊपर, राइट। इसमें परसेंटेज में था, इसमें बोला हुआ है कि आपको 35 रुपये एक फैन बेचने में मिलेगा, उसने 450 फैन बेचा तो ये आया आपका नॉर्मल कमीशन। इसके बाद आपका ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन कितना आएगा, जो भी एक्सेस रहेगा। तो आपने कितने पे बोलने के बेचा था, 300 पे, उसने कितने पे बेचा, 385 पे, 385 माइनस 300। ओके, और उसने कितना बेचा, 450 फैंस बेचा, कितना परसेंट मिलेगा उसको इसका, उसको एक्सेस का मिलेगा 2%। कितना हो गया बताओ, 85 रुपये उसने एक्स्ट्रा पे बेचा, मतलब 85 रुपये कमा के दिया 450 पे, तो 38,250 की तो उसने सेल किया, उसका 2%, तो 765 रुपये उसको मिलेगा। तो टोटल कमीशन कितना हो गया, देखो मैं चाहूँ तो ये क्वेश्चंस ना पहले से लिख के ले आऊँ और यहाँ पे लगा दूँ और आपके सामने सॉल्व कर दूँ 1 मिनट में, बट उससे क्या होगा ना, आपका इंट्रैक्शन नहीं बनेगा। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन लिखो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। ठीक है, 15,750, 16,515 रुपये, क्योंकि अपन लोग रिवीजन नहीं कर रहे, रिवीजन करेंगे तो मैं भी ऐसे ही लिखा रहेगा पहले से, पहले बस क्वेश्चन समझाऊंगा। 16,515 रुपये आंसर है, ठीक है, टोटल कमीशन का। ये आपको समझ में आया, अब एग्जाम्पल नंबर 3 मुझे करके दिखाएंगे आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको करके दिखाना है मेरे को, ठीक है सर। अभी जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है ये आप मुझे खुद करके दिखाएंगे। इसके अंदर क्या है, मिस्टर सचिन है, मिस्टर सचिन सेंट 1,000 यूनिट्स टू मिस्टर राजीव, ओके, फॉर 250 ईच। 1,000 बेचिए, 250 रुपये का एक है, ठीक है। एंड अलाउड हिम कमीशन ऑफ ₹25 ईच सेल मेड एंड 1% ऑन ग्रॉस सेल्स। हम उसको 25 रुपये भी देंगे और उसको 1% भी देंगे जितना वो बेचेगा। ही इज ऑल्सो अलाउड 5% ऑन सेल्स इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस है उससे ज्यादा पे जितना बेचेगा उसका, उसको 5% मिलेगा। ही सोल्ड 750 यूनिट्स एट 250 ईच एंड 100 यूनिट्स ऑन 350 ईच। एंड अभी कितना बच गया इसके पास, देखो 750 था जो उसने बेच दिया, उसके बाद 850 हो गया, 850 मतलब अब 150 बचा, एंड 150 एट 500 ईच। अभी स्पेशल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, तो इसलिए ना इसको ध्यान से समझ लेना। अब इसके अंदर ना काफी बार उसने बेचा है, अलग अलग रेट पे बेचा है। अब इसका सोल्यूशन करने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, करने की कोशिश करो, उसके बाद मेरे को बताओ। पहला स्टेप क्या रहेगा अपना, टोटल सेल निकालना, पहले टोटल सेल्स निकालो, उसके बाद मुझे बताओ कि हाँ भाई इतना टोटल सेल हमारे पास जो है वो आया है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ उसके लिए।
चलो जी सर, अब मैं ये करवाना शुरू करता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है? चलो देखो, टोटल सेल कितना हुआ? तो इसने ना स्टेप वाइज बेचा है, स्टेप वाइज बेचा है तो क्या हुआ, सेल तो सेल निकालेंगे ना अपन लोग, तो टोटल सेल कैसे निकालेंगे? पहले इसने बेचा कुछ गुड्स को 750 यूनिट को, इसने 750 यूनिट को बेचा सबसे पहले 250 रुपये पे, ठीक है? उसके बाद इसने 100 यूनिट को बेचा कितना, 350 पे, फिर उसने 150 यूनिट को बेचा 500 रुपये पे, तो टोटल सेल तो टोटल ही निकलेगी, ठीक है? ऐसे जोड़ के ही निकाला जाएगा, 750 मल्टीप्लाई बाय 250, 1,87,500 आया, प्लस 350 मल्टीप्लाई बाय 100, 35,000 रुपये आया, ठीक है? फिर 150 मल्टीप्लाई बाय 500, 75,000 आया, दो लाख 97,500, ठीक है? 2,97,500 का इसने सेल किया है। अब आप जो कमीशन निकालोगे, कमीशन कैसे निकालेंगे? कमीशन आपको पता है ना कमीशन कैसे निकलेगा, तो पहले आपको कमीशन 25 रुपये इस, तो इसको सेल की क्वांटिटी पे देना है, 25 रुपये देना है क्वांटिटी पे, तो क्वांटिटी तो इसने पूरा ही बेच दिया 1,000। देखो 750 यहाँ बेचा, 100 यहाँ बेचा, फिर 150 यहाँ बेचा, तो आपका पूरा ही हो गया ना, डन, ठीक है? तो ये हो गया 1,000, 1,000 में प्लस करोगे आप इसके बाद, अब इसके बाद आप प्लस करोगे, प्लस करके आप क्या निकालोगे कमीशन जो परसेंटेज में, तो 1% किसका, 1% आपको निकालना है ग्रॉस सेल का, तो इसने ग्रॉस सेल कितना किया, 2,97,500, 1/100, ठीक है? ये निकाल लिया आपने 1% ऑन ग्रॉस सेल। इसके बाद ये कमीशन हो गई आपकी ऑर्डिनरी कमीशन, इसके बाद आपकी ओवरराइडिंग कमीशन भी है। ओवरराइडिंग क्या है कि इसको मिलेगा 5% जो सेल एक्सेस में करेगा, तो 5% एक्सेस वाला करेगा, तो ये 750 वाला तो उतने पे ही है, मतलब जितना हमने बोला था इसको, हमने इसको कितना बोला था, हमने इसको 250 बोला था, इसने 250 पे किया, तो जो सेल बाकी की है, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 350 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 500, ये वाली जो है इसने वो एक्स्ट्रा पे बेची है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, मैंने आपको क्या सिखाया है कि 350 कितना एक्स्ट्रा है 250 से, ये देखो, और इसको इसकी यूनिट से मल्टीप्लाई करो, ऐसी तो 100 यूनिट है, ऐसे ही 500 कितना एक्स्ट्रा है 250 से, और ऐसी कितनी यूनिट है, 150 यूनिट है, और इसका भी कितना मिलेगा इसको, 5%। अब निकाल के मुझे बता दो फटाफट। तो ये हो गया 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 10,000 हो गया, उसका 5% 500, इसको यहाँ 500 मिलेगा, और इसको यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय -250 मल्टीप्लाई करोगे 150 से, और फिर 5% निकालोगे तो 1,875 आएगा, 1,875, इसको प्लस करोगे 500 से तो 2,375 आएगा, 2,375 तो आपका ओवर राइडिंग कमीशन हो गया, ठीक है? और आपका ये 1,000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 25,000 ये हुआ, और 2,97,500 का 1%, 2,975, तो 27,975 रुपये ये हुआ, तो आपका कमीशन टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल कमीशन टोटल हो गया 27,975 प्लस 2,375, 30,350, ठीक है सर? ये समझ में आया? देखो ऐसे क्वेश्चन ना आपको कोई कराने नहीं वाला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल के होते हैं, बट मैं आपको फाउंडेशन लेवल में भी इंटरमीडिएट लेवल तक का टच करा रहा हूँ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, ठीक है? ताकि आपका एक जो बेस है ना वो इतना स्ट्रांग बने अकाउंट्स में, कि आपको आगे जाके इंटर में भी ना कुछ चीजों के बारे में ज्यादा सोचना ना पड़े, कि भाई जो चीज इंटर और फाइनल, सॉरी इंटर और फाइनल बोल रहा हूँ, जो चीज आपको एक चीज समझनी है कि यार जो चीज फाउंडेशन में है हमारे, और वही चीज सेम इंटर में भी है, तो इतना हम लोग फाउंडेशन में ही कर ले कि जब इंटर में आए तो इस चीज को पढ़ने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, एटलीस्ट ऐसे तो करो। तो इसलिए मैं आपको इतना अच्छे से इसको करा रहा हूँ, हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपका ये बहुत एडवांस लेवल का है, मैं मानता हूँ, ठीक है? और इसके आने के चांसेस पेपर में बहुत है। देखो इंस्टीट्यूट आजकल जो हरकतें कर रहा है उसके हिसाब से तो फाइनल वाले क्वेश्चन इंटर में आ रहे हैं, इंटर वाले क्वेश्चन भी फाइनल में आ रहे हैं, तो आपके साथ तो ऐसा हो ही सकता है कि इंटर के क्वेश्चन फाउंडेशन में आ जाए, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा, आपने पहले को ऐसा क्वेश्चन देखा भी नहीं हो, ठीक है? इसको आप करना। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, ये बहुत इजी क्वेश्चन वापस से ले लेता हूँ, ठीक है? ये तो मैं आपका जैसा बुक में क्वेश्चन वैसा ले लेता हूँ। एक्स ऑफ दिल्ली कंजाइंड, ये आपके स्टडी मैट में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, और बहुत सारे टीचर भी आपको ऐसे क्वेश्चन कराते हुए मिल जाएंगे, ये बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। देखो अभी कितनी जल्दी करोगे आप इसको, क्योंकि अभी आपने इसको हार्ड वाला कर लिया ना, तो इसलिए आप इसको कर लोगे, ठीक है?
कंसाइंड गुड्स, ठीक है। कंसाइन कह रहे हैं गुड्स जिसका इनवॉइस वैल्यू 125,000 है, ठीक है। 125,000 इनवॉइस वैल्यू, 4/5 ऑफ गुड्स सोल्ड बाय कंजाइनी, ठीक है, एट 1 लाख रुपी। अब इसके बाद क्या लिखा है, कमीशन 2% एट इनवॉइस प्राइस, 2% इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा कमीशन, एंड 10% अबव। अब फाइंड टोटल कमीशन, ठीक है, टोटल कमीशन आपको फाइंड करते हैं। तो आप देखो, आपने माल कितना भेजा था, सॉल्यूशन समझो, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। आपने एक्स हो, आपने माल कुछ भेजा, एक्स है कोई, उसने माल भेजा, 1,25,000 रुपये का माल था, किसी को भेजा इसने, मान लो वाई को भेजा। अब 1,25,000 रुपये का इसने माल टोटल भेजा था, इसके इसने दो टुकड़े करे, एक 1 लाख और एक 25,000। 25,000 रुपये का माल जो है वो अनसोल्ड है, अभी बिका नहीं है। 1 लाख का माल इसने सेल कर दिया। अब 1 लाख का माल भी जो इसने सेल किया है वो कितने पे किया है, सॉरी एक सेकंड रुको, मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया, माई बैड, रुक जाओ 1 मिनट। 1/25 के दो हिस्से करो, 1/4 और 1/1, समझे। तो 1/25 का 4/5 हुआ 1 लाख, और ये हुआ 25,000, ठीक है। ये वही हुआ जो हमने सोचा था, समझ में आया आपको। तो ये तो हो गया हमारा, इतना इतना बट गया। अब ये तो इसने सेल कर दिया और ये इसका अनसोल्ड है, ठीक है जी। अब एक चीज आपको और समझ रही है यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरह से समझ ले रही है, कि आपको ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इनवाइस वैल्यू दिया है 1/25, ठीक है, 1/25 इनवाइस वैल्यू दिया है, जिसमें से 4/5 गुड्स जो है उसने बेचे। 4/5 गुड्स कितने के बेचे उसने, 1 लाख रुपए के, और 1/5 तो अभी अनसोल्ड है। तो इसके अंदर इसको अबव वाली कमीशन तो कुछ मिलेगी नहीं, अबव वाली कोई कमीशन नहीं मिलेगी इसको। क्यों नहीं मिलेगी सर अबव वाली कमीशन, क्योंकि इसने अबव पर बेचा नहीं ना। देखो 1 लाख ही हमने बोला था, 1 लाख ही इसने बेचा है, तो इसको कमीशन जो मिलेगी वो सीधा इस पे निकाल देना, बहुत सिंपल तरीके से। तो कितना परसेंट मिलेगा, 2%, सिर्फ 2% मिलेगा इसको, 1 लाख का 2%, 2,000 रुपये कमीशन आएगा बस। अब समझो, अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं कॉस्ट प्रॉफिट रेशियो दे दूं आपको, मतलब रेट दे दूं कि कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट इतना है, सेल के ऊपर इतना है, तो ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अभी हमने टच नहीं किए हैं, इसीलिए ही हम इस क्वेश्चन को अभी इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को वैसा भी क्वेश्चन वो मिल सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए, एक बेसिक क्वेश्चन भी करा दिया, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 में, ये आपको मैं होमवर्क दूंगा। देखो मैं छोटे छोटे लेक्चर रखूंगा, बेबी लेक्चर, आधे घंटे 45 मिनट के। इससे क्या होगा ना, आप जल्दी जल्दी डेली डेली देख भी पाओगे चीज़ों को, और कवर भी कर पाओगे, बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम दे पाओगे। अब इसमें ना ये एग्जाम्पल नंबर 5 लिख लो, मिस्टर सचिन है सेंड गुड्स टू मिस्टर, मान लो रमेश, ठीक है, फॉर 1 लाख रुपीज, 800 यूनिट्स, ठीक है, 800 यूनिट्स है, 1 लाख रुपए के गुड्स हैं। तो 1 लाख रुपए के गुड्स हैं, जो कि 800 रुपए का एक है, आपका, एक सेकंड रुको, इसको करो आप, एट द रेट 800 पर यूनिट फॉर 80,000, ठीक है, अब सही रहेगा आपके लिए। तो 80,000 के गुड्स हैं, 800 का एक है, तो 100 यूनिट उसने भेजी है, ठीक है। मिस्टर रमेश सोल्ड 50 यूनिट्स एट 1,250, 10 यूनिट्स एट 1,500, एंड रिमेनिंग एट 850, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने माल बेचा है, ही इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ रुपीज, रुपीज नहीं, इसको परसेंटेज में लिखो,
ऑफ 2% ऑन ग्रॉस सेल्स एंड ही इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन एक्सेस प्राइस। बट ठीक है, मैं आपको एक टाइप की और क्वेश्चन कराऊंगा, बट वाली मैं अगली क्लास में कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें पहला तो यही है, पहला क्वेश्चन, फाइंड टोटल कमीशन। सेकंड, फाइंड टोटल कमीशन इफ देर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 5,000, ठीक है, जो कि हमारा अबनॉर्मल है। अगर कोई अबनॉर्मल लॉस है 5,000 रुपये का, तो क्या उससे कमीशन के ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? या इसको आप रुपी के बजाय ना आप इसको कर लो लॉस ऑफ 100 यूनिट्स, ठीक है। अभी कितनी यूनिट हो गई? अभी मैंने रिमेनिंग यूनिट्स में से फिर कम कर देना। अभी रुक जाओ एक सेकेंड, मैंने कितनी भेजी थी? भेजी थी मैंने, एक सेकंड रुको, मैंने आपको कितने, 800, तो मैंने आपको तो 1,100 यूनिट तो भेजी थी, तो इसको 10 करना पड़ेगा ना फिर। तो आपने बेची कितनी इसके अंदर से? 50 वहाँ, 60 वहाँ, ठीक है, 60, तो 10 यूनिट कर लो इसको। अगर 10 यूनिट का अबनॉर्मल लॉस होता तो कमीशन क्या कुछ फर्क होता है या नहीं होता? ये आपका होमवर्क है आज का। अगली क्लास में मैं एक नया भी आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा कमीशन में ही, एग्जाम्पल नंबर 6 में कराऊंगा। पहले 5 सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 कराऊंगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, हमने आज काफ़ी कुछ सीखा कमीशन के बारे में, यहाँ से शुरू किया है, ठीक है। मैं मानता हूँ अभी ज़्यादा नहीं सीखा, लेकिन लिटिल लिटिल करोगे ना तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। आधे आधे घंटे के सेशन भी बहुत है, ठीक है, आधे घंटे अभी हुए भी नहीं वैसे सेशन को, बट टॉपिक भी तो छोटा ना कमीशन। मैं चाहता हूँ टॉपिक वाइज में मैं कराऊँ, ताकि जिस बच्चे को जो टॉपिक समझना हो वही समझे। अब मैं अगली क्लास में कमीशन के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक का टॉपिक कराऊंगा, एक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन का, ठीक है। फिर उसके बाद अगली क्लास में प्रॉफिट का कराऊंगा। तो ऐसे चलेंगे अपन लोग, ठीक है। अभी एक बेसिक टाइप भी रह रही है हमारी, एक बेसिक क्वेश्चन की टाइप भी रह रही है, बेसिक टाइप भी रह रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगली क्लास में आपकी बेसिक प्लस क्लोजिंग स्टॉक वाले क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कवर कराऊंगा। फिर अगली क्लास में प्रॉफिट निकालना सीखेंगे कि किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। बेसिक के अंदर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, जनरल एंट्री या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो ये तो जल्दी हो जाएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक कराऊंगा फिर मैं अगली क्लास में आपको, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडिंग नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉसेस, जो उस तरह के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे पूछते हैं वही सारे कराऊंगा, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन ऑलरेडी हैं आपके नोट्स में, ये रहे आपके 31 क्वेश्चन देखने को लग रहे हैं, लेकिन आप देखोगे ना ध्यान से तो आप पाओगे कि जैसे एक ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन के अंदर कितने सारे क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल क्वेश्चन दिए, अच्छे अच्छे दिए हैं, ये नहीं कि यार एक ही क्वेश्चन को बार बार लिख दिया बस अलग अमाउंट बदल के, क्वेश्चन बढ़ाने के लिए, ब्रैक करने के लिए, नहीं, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं करूंगा मैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आते हैं क्वेश्चन में, पेपर में, वही मैं चीज़ कराऊंगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ ना करना पड़े। अब मैं आपको यहाँ पे बुकलेट में अपनी बढ़ाई मारने के लिए 100 क्वेश्चन डाल दूँ, अब 100 में से भी बच्चे देख रहे हैं यार कि बार बार एक ही क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो गया, एक ही टाइप का बार बार वही सेम चीज़ पूछे जा रहा है। तो सर ये सब चीज़ें तो मैं आपको आपके एग्जाम्पल में ही करा दूंगा, इसके अंदर जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ ना, मैंने आपको आज 4 एग्जाम्पल कराए, 4 नहीं, मैंने 5 एग्जाम्पल कराए, पांचवा कराया नहीं, होमवर्क दिया है, ठीक है, पांचवा होमवर्क दिया है, और छठा और पांचवा कल, छठे फिर आगे से ही आगे बढ़ेगी। ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिन बच्चों ने परचेज किया ना वो 20 रुपीज़ दे के, वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट दे के मैं उनको ये दे दूंगा। जिन बच्चों ने परचेज नहीं किया वो प्लीज़ इसको नोट कर ले साथ साथ ही, है ना, लेक्चर में जैसे जैसे चलता जाएगा। ओके चलो, आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।